See, that is lesson 7, Rani day. Rani means Varsha, day means Din, matlab Varsha ke din, Varsat ke din, right? So, before starting the lesson, I have given some difficult words meaning for you all. You have to see, read, learn and write in your copy properly. It will be help for your study, for your understanding and if you are, learning it properly then you can learn the lesson very well and you can get some word's meaning right then you have to write it in your copy with date okay see this is your chapter lesson 7 chapter 7 you can say lesson 7 also you can say okay rainy day so you have to read firstly book if you are facing some problem then please consult your elders okay they will help you and uh, so let's start our class there is one para okay we will read it okay ran ran everywhere ran on the hills ran on the grass ran on the house dog ran in the courtyard ओके okay? यहाँ पे बता रहा है रैन रैन एवरीवेयर जब बारिश होती है तो जो पानी है वो सभी जगह होता है राइट रैन ऑन द हिल हिल मीन्स पर्वत तो रैन और कहाँ होता है पर्वत पे घास पे हाउसटॉप मीन्स होता है घर का छत छत के ऊपर कॉर्टयार्ड दैट मीन्स बरामदा सभी जगह जो पानी है वो बरसात के दिनों में सभी जगह पानी आ जाता है ना चाहे घर हो चाहे बरामदा हो चाहे घास हो चाहे पर्वत हो चाहे पेड़ हो सभी जगह पे क्या आ जाता है बरसात में पानी सभी जगह होता है टुडे इस संडे वो खेलना चाहता है पापा से नो नो पानी गिर रहा है बाहर नहीं खेलना है मम्मी मेक फेसिस मम्मी फेस बना रही कितना पानी में खेलोगे अंकल गोज टू क्लोज द डोर अंकल गए और जाके बाहर का दरवाजा बंद कर दिए आंटी टू से डोंट गो और आंटी भी कहने लगी कि नहीं बेटा बाहर बारिश हो रही है बाहर नहीं जाओ हर हमारे घर में जितने भी बड़े होते हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं राइट अगर बरसात में भीगेंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगी इसलिए बड़ों का कहना भी क्या करना चाहिए मानना चाहिए है ना तो जॉनी जो है वो सबकी बात मान के अंदर रहता फिर पापा मेक्स अ पेपर बोर्ड उसके बाद पापा एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं और उसे एक बोट बनाते हैं बोट मीन्स नाव ही पुट्स इन द वॉटर और उसको ले जाके वो जॉनी के साथ वॉटर में पानी जो बह रहा उसके है उसके ऊपर रखते हैं द बोट सेल्स फॉरवर्ड जैसे ही पानी के ऊपर वो बोट पेपर का बोट रखाता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है राइट लिटिल जॉनी क्लैप्स इन हिज हैंड लिटिल जॉनी जो है खुशी के मारे ताली बजाने लगता है और बोलता है प्लीज पापा मेक वन मोर चलिए पापा प्लीज एक और बनाइए है ना तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीटेड यू हैव टू लर्न एंड यू कैन मेक पेपर बोट ऑल्सो एंड एंजॉय रेनी डे एंड आई होप आप सबको ये लेसन समझ में आया है अगर नहीं आया है तो प्लीज आस्क मी वन मोर ओके okay? थैंक